हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिवीजन करते हैं। और आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम दो पॉलिनोमियल लेते हैं और उनकी डिवीजन करके देखते हैं। तो यहां पर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं पीएक्स, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं पीएक्स जो कि है हमारे पास 2x² - x और -3, और एक जीएक्स पॉलिनोमियल ले लेते हैं x - 2। हम पीएक्स की इस पॉलिनोमियल से डिवीजन अगर हम करें, तो जैसे हम नंबर्स में डिवीजन करते हैं तो ठीक उसी तरह से हमें यहां पर डिवीजन करनी है। 2x² - x - 3 यहां पे लिखा, और ये x - 2 हमने यहां पे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, जब हम दो पॉलिनोमियल की डिवीजन करते हैं तो आपने देखना है कि जैसे यहां पे x है और यहां पे 2x² है, तो हम x की यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है और यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है उसको और उसके कोफिशियंट्स को हम इक्वल करेंगे। अब यहां पे देखो हमारे पास x है और यहां पे 2x² है, तो हम x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 2x² हो जाए। हम x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 2x² हो जाए। अब देखो ये x है और ये 2 है, यहां देखो ये 1x है और हमें बनाना है 2। तो सीधी सी बात है, हमें 2 से तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2 बनेगा। और साथ में यहां पे x² है, यहां पे x है, तो यहां पे भी हम x लगा देते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। यानी कि हमें 2x से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2x से। तो अब हम 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x², और जब हम इसके 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे -6x। अब हम माइनस कर देते हैं, यानी कि इनकी साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इसके साथ तो इसको कैंसिल कर देते हैं। यहां पे हमारे पास कितना है कि अगर हम ये माइनस का x है, यहां पे माइनस का x है और ये प्लस के 6 है, तो प्लस के 5x रह जाएंगे और माइनस के 3 है। अब यहां पे देखो x है और यहां पे 5x है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, तो प्लस 5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x - 15। तो 5x - 15, फिर माइनस कर देते हैं यानी कि साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3 और प्लस के 15, तो ये हमारे पास प्लस के 12 आ जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब की बार सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x² - x और -6, ये हमने एग्जांपल ले लिया और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से। अब देखो यहां x है और यहां 2x² है, तो ये 1x है, तो 1 का 2 बनाने के लिए तो 2 से करना पड़ेगा, और x का x² बनाने के लिए x से करना पड़ेगा, तो यहां पे 2x है, मैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x² - 4x। इसके साथ भी करेंगे ना। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल कर देते हैं, तो प्लस के 3x और माइनस के 6। अब यहां x है, यहां 3x है, तो यहां 1x है, यहां 3x है, तो 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, x हमारे पास है ही है, तो हम 3 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x - 6। जब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो यहां से तो कुछ नहीं बचा, यानी कि हम लिखेंगे कि 0 हमारा रिमाइंडर है। तो इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 12 आया, और इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया।
एक एग्जांपल से और करने की इसको कोशिश करते हैं। तो अब की बार हमारे पास हम ले लेते हैं x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये 2x प्लस 3 हम यहां पर लिख देते हैं, 2x प्लस 3, थोड़ा सा स्पेस हमारा बच जाएगा इसके लिए। ये हमने लिया और हम इसको कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 से। यहां सबसे बड़ी पावर स्क्वायर है x स्क्वायर में और यहां x रेज़ टू पावर 4 है, तो x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे x रेज़ टू पावर 4 हो जाए, तो हमें x स्क्वायर से करनी पड़ेगी। जब हम इसकी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x रेज़ टू पावर 4 हो गया, x की x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस का, और 2 की x स्क्वायर के साथ करेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 3x क्यूब और प्लस x क्यूब, माइनस 3x क्यूब और प्लस x क्यूब का मतलब 1x क्यूब, माइनस के 3 और प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 रह जाएंगे, माइनस 2x क्यूब, माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 8, ये बाकी के एज इट इज। अब हमें क्या करना है, यहां x स्क्वायर है, यहां माइनस 2x क्यूब है, तो यहां 1 है और ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 से तो करना पड़ेगा, 1 है यहां पे माइनस 2 है, यहां x स्क्वायर है और यहां x क्यूब है, तो x से भी करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 2x से करना है, तो माइनस 2x से करेंगे तो ये माइनस के 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, और माइनस 2x से करेंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे। यहां पे अब ये प्लस हो गया, अब ये हमारे पास माइनस हो गया और ये हमारे पास प्लस हो गया, ये तो कैंसिल करना ही है हमें। अब यहां पे माइनस 6x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस के 8x स्क्वायर, प्लस के 7x और प्लस के 4x, तो प्लस के 11x, प्लस 11x और प्लस 8। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 8x स्क्वायर है, तो माइनस 8 से कर देते हैं क्योंकि ये 1x स्क्वायर है और ये माइनस 8x स्क्वायर है, तो सेम बनाना होता है हमें, जो कोएफिशिएंट है जो पूरी टर्म है वो भी सेम बनानी होती है, जो कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम बनाना होता है। तो ये माइनस 8 से किया तो माइनस 8x स्क्वायर और ये प्लस के 8x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस के 16 हो जाएंगे, तो अब ये हमारे पास प्लस माइनस और ये प्लस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 11x और माइनस 8x 3x रहेगी और प्लस के 8 और प्लस के 16, तो प्लस के 24 हो गई। अब देखो यहां पे x स्क्वायर है, अब अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे या कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर तो कम नहीं होगी, पावर तो x स्क्वायर तो रहेगी, ये x स्क्वायर से ज्यादा बनेगी, x से इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते हम, फिर उससे हमें पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। तो यहां से अब ये जो पावर है ये x है और ये x स्क्वायर है, तो आप इसको कॉन्स्टेंट से करें तब भी x स्क्वायर रहेगा, इससे बड़ी पावर रहेगी, और अगर कोई टर्म x की कोई टर्म ले तो ये x क्यूब वगैरह में चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि आगे नहीं चलेगा क्वेश्चन, यहीं पे ये क्वेश्चन रुक जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स के लिए वो क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स और जी एक्स टू पॉलिनोमियल है, ये हमने अंदर वाला जो है डिविडेंड है जो हमारा वो पी एक्स माना है और जो डिवाइजर है उसको जी एक्स माना है, विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जी एक्स अगर जीरो हो गया तो डिवीजन हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, डिफाइंड ही नहीं होने की, तो इस वजह से जी एक्स जीरो नहीं है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। अब समझे, देख पॉलिनोमियल का नाम है क्यू एक्स, क्यू स्टैंड फॉर कोशेंट और आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर, क्या स्टैंड फॉर क्वेश्चन और आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर। फिर वही बात जो हम सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और
सोल्व करने के बाद रिमाइंडर, देन वी राइट दैट डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे पहुंचते हैं। अब यहां पे क्या हुआ है, आपके पास px है, आपके पास gx है, तो क्या मिलेगा, qx और यहां पे rx। तो इसको जब आप फॉलो करोगे तो डिविडेंड कौन है, px, डिवाइजर कौन है, gx, कोशेंट कौन है, qx, और रिमाइंडर कौन है, rx। अब आते हैं वापस, क्या कहें, वी कैन फाइंड पॉलीनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस rx। तो ये जो नॉर्मली हम डिविजिट करते हैं नंबर्स की, तो जो हमारे पास ये रूल है, ये ही आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा में आया है, जिससे आपने एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया है, और ठीक इसी तरह से ये पॉलीनोमियल्स पे भी वही सेम प्रोसेस लागू हो रहा है। तो कुछ भी नई बात नहीं है, ये वही है जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम है पॉलीनोमियल्स पे, तो वही है जो नंबर्स के लिए है, वही है जो डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, कुछ भी नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा है, आगे बताया कि वेयर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां पे देखो भाई रिमाइंडर, रिमाइंडर जो पॉलिनोम है यहां 12 है, यहां पे जीरो है, तो जीरो वाले टर्म्स तो क्लियर हो गए। और द डिग्री ऑफ आर एक्स, जो डिग्री होगी आर एक्स की, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो जी एक्स से लेस होगी, इक्वल भी नहीं होगी, स्ट्रिक्टली लेस होगी। अब यहां पे देखो हमारा जो जी एक्स था उसकी डिग्री 2 थी, तो यहां रिमाइंडर की डिग्री कितनी आई, 1। यहां पे जो जी एक्स है उसकी डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर, ये तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, कॉन्स्टेंट है ये तो हमारे पास, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, क्योंकि इसको हम एक्स रेस टू पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स रेस टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो यहां पे डिग्री कितनी है, 0 है। तो या तो जो रिमाइंडर है वो 0 ही होगा, आर एक्स जो है हमारा 0 ही होगा, आर एक्स हमारा 0 होगा, नहीं तो जो आर एक्स की डिग्री है, रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो जी एक्स पॉलिनोमियल से लेस होगी, स्ट्रिक्टली लेस होगी। तो यही प्यारे बच्चों हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स है, और एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी इन्हीं तरीके से जो है आपको सोल्व करने हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए हैं, आप इनको एक बार फिर से देख के, वीडियो को एक बार फिर दोबारा से देख के, आप एक्सरसाइज के सारे मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आप एक्सरसाइज के सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के लिए बेसिक कवर हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you very much.